नमस्कार दोस्तों, आज हम फिट करने वाले हीरो होंडा स्प्लेंडर का गियर बॉक्स। ये सारा इसका सामान है। आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक वाइसर और पिन और लॉक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका गियर शाफ्ट है, और ये सब यहाँ पे सारे गियर हैं इसके, और ये गियर का नॉल है और गियर का चेंजर है। ठीक है, इन सबको कंप्लीट करेंगे और असम्बली करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से फिट किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हीरो होंडा स्प्लेंडर का गियर बॉक्स फिट करना आप सीख लेते हैं तो हीरो होंडा स्प्लेंडर हो गया, हीरो होंडा पैशन प्रो, पैशन और सी डी डॉन, सी डी डिलक्स, सी डी 100, इन सब गाड़ियों का गियर बॉक्स एक ही जैसा फिट होता है। ठीक है, अगर एक वीडियो ये पूरा देख लेते हैं तो इन सब गाड़ियों का गियर बॉक्स आप बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे दो शाफ्ट हैं जिसके अंदर सारे गियर फिट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये हमारा इनपुट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कौन से शाफ्ट में कौन सा गियर फिटिंग होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटा है और ये थोड़ा पतला है, तो ये आप देख सकते हैं ये जो इसमें जो गियर इसमें जा रहे हैं, ये ऐसा देख लेना आप कौन कौन सा गियर इसके अंदर का है। ठीक है, ये सब इस तरह देख लेना है आपको, अगर ना समझ में आया तो इस तरह से देख लेना है। अगर ये और जो इस गियर का शाफ्ट है, इस गियर के शाफ्ट को इसमें अगर हम डालेंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके अंदर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा हमारा कौन सा कौन से शाफ्ट में लगाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला शाफ्ट फिट करेंगे, इनपुट वाला। ठीक है, इसको फिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला गियर लेंगे, इस तरह का गियर है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का ये वाला गियर लेंगे हम, इसको हमें इस तरह से फिट करना है यहाँ पे। इसके बाद इसके ऊपर लगाना एक वाशर, एक कट वाला वाशर, बीच में कट बना हुआ है आप देख सकते हैं, इस तरह का वाशर है। इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से इसको यहाँ से डाल देना, इस तरह से, और इसको लगाने के बाद इसके ऊपर से लगाएंगे एक लॉक, उसके ऊपर से लॉक लगाना है। लॉक लगाने के लिए हमें लॉक पकड़ की मदद जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए इस पकड़ से हमें लगाना है, ये देख सकते हैं, इस पकड़ को हम यहाँ पे फंसाएंगे कुछ इस तरह से, फंसाएंगे और इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला लॉक, यहाँ पे हमने लॉक एक वाइसर लगा के ऊपर से लॉक लगा दिया, लॉक यहाँ पे गियर जो है फिक्स हो गया, ये ना तो आगे जाएगा ना तो ये आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहीं पे जगह पे घूमेगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमें दूसरा गियर इसका लगाना है, दूसरा गियर इस तरह का गियर है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे 30 बना हुआ है सब, और एक तरफ इधर पूरा प्लेन है, प्लेन वाला हमें अंदर की तरफ करना है। ठीक है, यहाँ अंदर की तरफ कुछ इस तरह से, ये वाला आके इसके अंदर इस तरह से फंसता है। ठीक है, तो और ये वाला गियर घूमेगा ना, ये फिक्स होता है, खाली सिर्फ ऊपर नीचे होता है इस तरह से। तो इसके ऊपर से हमें एक लगा देना लॉक, ये वाला लॉक हमें लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लॉक हमारा यहाँ पे सेट हो गया, आप देख सकते हैं अब ये गियर यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसके ऊपर से हमें लगाना एक और वाशर, कट वाशर, ठीक उसी तरह का वाशर है जो हमने अंदर लगाया था, इसको हमें इसके ऊपर से यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। और इसके सेट करने के बाद ये वाशर लगाने के बाद इसके ऊपर से ये वाला गियर हमें लेना है। इस गियर में देखते हैं एक तरफ एक कट बना हुआ है, एक तरफ पूरा प्लेन है, तो ये प्लेन वाला हमें ऊपर की तरफ रखना है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, एक दो तीन चार, चार गियर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हमें दूसरा वाला शाफ्ट लेंगे जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम गियर को सेट करेंगे। इसके अंदर गियर सेट करने के सबसे पहले हमें एक यहाँ पे वाइसर सेट करना पड़ेगा। हमें वाइसर कौन सा लेना है, यहाँ पर तीन वाइसर है, देख सकते हैं तीनों वाइसर देखने में एक ही जैसे हैं, कट है। ठीक है, लेकिन ये वाला वाइसर जो है थोड़ा एक इसमें से थोड़ा मोटा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा एक है। ठीक है, बड़ा वाला पहले हमें वाइसर लगाना है, तो बड़े वाले वाइसर को एकदम हमें लास्ट में यहाँ लाना है यहाँ पे। ठीक है, एक वाइसर यहाँ पे बड़ा वाला लगाने के बाद इसके ऊपर से हमें यहाँ पे एक लॉक लगा देना है, ये लॉक है, इसको हमें यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लॉक लगा दिए, वाइसर हमारा यहीं पे फिक्स हो गया। ठीक है,
अब इसके ऊपर से लगाएंगे एक गियर, और ये गियर कौन सा लगेगा, ये गियर रहेगा हमारा, ठीक है। एक तरफ दांते बने हुए हैं, एक तरफ ये छोटा सा है, ठीक है। तो ये वाला पीस हमें बाहर की तरफ रखना है, इस गियर को हमें कुछ इस तरह से फिट करना है, ठीक है। इसको फिट करने के बाद यहाँ पे हमें एक लगाना है लॉक, इस लॉक को हमें यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। लॉक को यहाँ पे लगा दिया, अब ये गियर यहाँ पे आगे पीछे यहीं पे होगा, घूमेगा नहीं, शाफ्ट के अंदर घूमता नहीं है, आगे पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पे गियर नॉल लगता है, गियर नॉल इसको आगे पीछे घुमाता है, आगे पीछे करता है, ठीक है। तो ये लॉक लगाने के बाद हमें क्या करना है, एक वाशर लेना है, वही से ये वाशर सेट हो गया। वाशर सेट करने के बाद हमें एक और उसके ऊपर से ये गियर लेना है। इस गियर में देखिए एक तरफ कट सब बना हुआ है और एक तरफ प्लेन है, ठीक है। तो एक कट वाला पीस हमें यहाँ पे रखना है, जो इस एक कट वाला पीस जो है हमें अंदर की तरफ रखना है, जो यहाँ पे फंसेगा कट आके, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वाला फ्री रहता है, ठीक है, एक जगह में फ्री रहेगा, और ये वाला आके इसमें लॉक करता है इसको, ठीक है। और अब इसके ऊपर से एक और वायसर लगाना है हमें, ठीक उसी तरह का कट वाला, ठीक है, ये वायसर इसको हमें इसके ऊपर से सेट कर देना है, ठीक। और इसके ऊपर से हमें एक और गियर लगाना है छोटा वाला। इस गियर में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, आप चाहे तो इसको ऐसा लगाओ, आप चाहे तो इसको ऐसा लगाओ, जैसी आपकी मर्जी वैसा इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। ये तीन गियर शाफ्ट के अंदर सेट हो गए, एक गियर और सेट करना हमें, ठीक है, वो इस तरफ लगेगा। इसको सेट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक डिस्टेंस लगा होता है इस तरह का, देख सकते हैं ये डिस्टेंस है, इसको हमें यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है ये वाला गियर। इस गियर में क्या है, एक तरफ देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन है यहाँ पे, और दूसरी तरफ यहाँ पे कट है पूरा अंदर तलक, ठीक है। तो एक कट वाला पीस हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। जब ये आगे पीछे होता है तो इसके अंदर ये इसको लॉक करता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर से हमें लगा देना एक और इस तरह का वाशर, ठीक है। यहाँ पे एक वाशर हो गया और एक वाशर, और बस एक वाशर इस तरफ भी रहेगा, इसको हमें सेट कर लेना है। अब तो ये हमारा सारा गियर सब कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा सेट होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से सेट होगा। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं, और अब हमें सेट करना है गियर चेंजर के अंदर ये गियर नॉल, ठीक है। तो गियर नॉल में अगर आपको उल्टा सीधा ना समझ में आए तो आपको इस तरह से सेट कर लेना है, इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से सेट होगा इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है। तो और इसमें लगेंगे पिन, ये पिन जो है यहाँ पे चलता है, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से चलता है यहाँ पे, और इसके इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लॉक आता है इस तरह का, यहाँ पे इस तरह से लॉक होगा, ठीक है। तो पहले हम एक गियर नॉब को सेट करते हैं, इस तरह सेट करेंगे इसको, और यहाँ पे इसमें छोटा सा होल है, और इसको इस तरह से पिन, ये पिन को यहाँ पे इस तरह से डाल, और इस पिन को इस होल के अंदर हमें डालना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह डाल के सेट कर लेना है। ये सेट हो गया, ठीक है, अब ऊपर नीचे नहीं आएगा, इस तरह से घूमेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये पिन ना निकले इसके लिए हमें ये लॉक लगाना होता है, ठीक है। तो हमें ये लगा देना है ये लॉक यहाँ पर, यहाँ पर सेट करेंगे लॉक को, ये हमारा लॉक सेट हो गया, ठीक। और अब हम लगाएंगे दूसरा वाला नाल, दूसरा वाला नाल लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, और इसमें भी डाल देंगे ये दूसरा वाला पिन यहाँ पे इस तरह से,
इसके बाद यहाँ पे लॉक को लगा देंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये दूसरा वाला लॉक भी हमारा लग गया। ठीक, अब बचा है ये न्यूट्रल की पत्ती। ठीक है, ये है, इसको हमें ये होल में डालना है ये वाला पीस, और डाल के यहाँ से बैंड कर देना है। ठीक है, पहले हम इसको इसके अंदर सेट करेंगे इस तरह से, सेट हो गया। और छोटा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें यहाँ पे इसको यहाँ से अंदर से ऐसा बैंड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा गियर चेंजर कंप्लीट हो गया और ये पूरा गियर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सेट होगा उसको आपको बता दे रहे हैं। तो गियर हमारा इस तरह से सेट होगा, और गियर नाल के जो कट बने हुए एक यहाँ पे सेट होगा और एक यहाँ पर। ठीक है, तो गियर नाल में हमें किस तरह से लगाना है, ये जो क्लच शाफ्ट है क्लच साइड का, क्लच साइड हमें ये वाला करना है। ठीक है, जो छोटे छोटे पिन लगे हैं ये हमें क्लच के साइड करना है, और जो न्यूट्रल पत्ती लगा है और उसको हमें बाहर स्पार्कर की साइड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको ये ऊपर वाला यहाँ पे, ये ऊपर वाला नाल को हमें यहाँ पे इस तरह सेट करना है, और दूसरा वाला नाल जो है ये हमें इसके अंदर सेट करना है इस तरह से। ठीक, और ये हमारा कंप्लीट है, और अब हम इसको चेंबर के अंदर सेट करेंगे। तो चेंबर के अंदर सेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे इस तरह से एक उंगली पकड़ना है, यहाँ पर एक उंगली पकड़ो चाहे तो दो उंगली से आप इसको, ताकि ये वायसर गिरे ना। ठीक है, इस तरह सेट करना है, और इसको, और ये वाला जो है यहाँ पे एक उंगली ऐसा लगाना है, और इसको इस तरह से पकड़ लेना है। ठीक है, इसको ये उंगली ऐसा हटा के रखना है, इस तरह से हमें पकड़ के सेट करना है। ठीक है, बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। तो पहले अब इसका चेंबर हम तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे देख रहे सारा गियर हमारा सेट है, और अब हमें चेंबर के अंदर सेट करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से, ये देखते बहुत ही आसानी से हमारा गियर सेट हो गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमारा गियर बॉक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको गियर बॉक्स फिटिंग करना नहीं आता है तो ये वीडियो देखकर बहुत आसानी से आप गियर बॉक्स को फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार।